Hey, hello, friends, welcome to Tech Apple Addict. Realme 3 पर Android 10 और Realme UI अपडेट कर देने के बाद Call of Duty मोबाइल गेम प्ले मैंने आपको करके दिखाया था, लेकिन उस पर मैंने आपको मल्टीप्लेयर गेम प्ले करके दिखाया था। मल्टीप्लेयर गेम प्ले करने के लिए आपको थोड़ा अलग सेटिंग करना पड़ता है, ग्राफिक्स में थोड़े चेंज करना पड़ता है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो आई पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जब आते हैं बैटल रॉयल के बारे में, तो बैटल रॉयल के लिए आपको अलग सेटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सेटिंग आपको चेंज करना पड़ेगा जब आप खेलेंगे मल्टीप्लेयर से बैटल रॉयल या फिर बैटल रॉयल से मल्टीप्लेयर। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रियलमी 3 पर एंड्रॉइड 10 और रियलमी यू आई करने के बाद मल्टीप्लेयर को छोड़कर बैटल रॉयल गेम प्ले करने के लिए आपको कौन सी सेटिंग बेस्ट रहेगा, कौन कोई लैग या फिर हैंगिंग का इशू आता है या फिर नहीं, और कोई हीटिंग का इशू आता है या फिर नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सो हे फ्रेंड्स, मैं हूँ तपोस, आप देख रहे हैं। सामने रियलमी 3 आई एंड्रॉइड 10 और रियलमी यू आई अपडेट कर देने के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने मल्टीप्लेयर खेला था, लेकिन इस बार आपको बैटल रॉयल खेल के दिखाएंगे। क्योंकि तो मैं आपको सेटिंग बाद में दिखा, तो सबसे पहले हम एक बार मैच खेल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं बैटल रॉयल, और ये क्लासिक सिंगल प्लेयर ही खेलेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या आप देख सकते हैं रियलमी 3 आई, और एक 3GB 32GB वाला वेरिएंट है। तो देख सकते दोस्तों ऑन हो चुका है। तो मुझे ये वाला मेडिक ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छे तरह से। तो ये देखिए आपके सामने ग्राफिक्स है, हालांकि मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ इधर आपको कैमरे में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ग्राफिक्स जब आप खेलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आएगा। अभी तक तो कोई भी मुझे लैग का इशू नहीं दिख रहा है। अभी खेलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं मेरा जो ब्राइटनेस है पूरा है, देखिए थोड़ा कम करके रखा है। तो कहाँ उतरेंगे, तो ये आपको दिखाने के लिए मैं कहीं पर उतर जाता हूँ, देखिए इधर ही उधर जाते हैं। इधर एक प्लेयर है मेरे से, शायद एक प्लेयर है मेरे साथ, ये देख सकते हैं आगे। मुझे अभी तक कोई भी गन नहीं मिला है। फ्रेंड्स माफ करना, तब मुझे माँ बुला रही थी, इसलिए मुझे काटना पड़ा मुझे गेम। तो आपको फिर से आपको दिखाना पड़ेगा, तो इस बार हम थोड़ा काट लेंगे जल्दी जल्दी करने के लिए, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो ये वाला सीन जो ऑन होता है या फिर हम फिर से उतरेंगे, इसको काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लाइव। तो एक बार आपको और याद दिला दूँ कि जब मैं पहला गेम खेल रहा था तो माँ मुझे बुला रही थी, इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा, क्योंकि मैं छत पर शूट करता हूँ। तो फिर से स्टार्ट करेंगे,
ये देखिए वो वाला अच्छा शुरुआत हुआ था यार। लो अब बारिश शुरू हो गई, देख सकते हैं आप इधर इधर बूंदे बूंदे गिर रही है। देखिए मतलब कि वीडियो शूट करना मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है यार, आपको क्या बताऊँ। ये देखिए बारिश शुरू हो गई, मुझे अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा लो हो सकता है गैप, तो मुझे अंदर आना पड़ा यार। क्या कर सकते हैं अब, बारिश होने लगी है थोड़े थोड़े। तो देखिए हम इधर उतर चुके हैं और चाहते हैं सबसे पहले गन लेते हैं। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स, आप सोच भी नहीं सकते, जब मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफिक्स का सेटिंग तो आप चौंक जाएंगे। तो पहले आप गेम प्ले कर लेते हैं, फिर आपको बाद में दिखाएंगे, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। और एक बात फिर से बोल देना चाहूँगा, मैं उतना खास प्लेयर नहीं हूँ, थोड़े बहुत खेलता हूँ ठीक है, मतलब कि प्रो अल्ट्रा लेवल का प्लेयर नहीं हूँ मैं, इसलिए थोड़े बहुत गेम्स प्ले आपको करके दिखाऊंगा। अरे यार 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 यार, एक बॉट था, एक बॉट था यार, बच गया मैं भूल जाता हूँ कि इस पर जूम और सूट है और इस पर सिर्फ सूट है, पता नहीं यार हर बार भूल जाता हूँ, बच गया मैं। अगर बॉट नहीं होता था अब तक जाता मैं, आपको गेम प्ले दिखाना है बस। देखिए एक और, कोई तो है मेरे पास है भाई, मेरे पास है, आजा 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 तू आजा तू। देखिए देखिए बच के आ रही प्यार, बाल बाल बचा यार, चल 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 भाग भाग भाग। अरे यार एक और गन चेंज करना पड़ेगा, ये वाला गन ठीक है लेकिन इस पर मुझे आदत नहीं है इतनी, इसको देखते हैं। एक मैंने को पहले ही बोला था कि मुझे क्वालिटी उतना भी ज़्यादा नहीं खेलता, लेकिन आपको दिखाना पड़ रहा है। चलिए जोन आ सकता है, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ बारिश शुरू होने लगी है, मुझे इस पर जाकर मुझे बहुत पसंद है इस तरह से उठना। टॉप पर चले आएंगे, ओके मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे गेम उतना भी अच्छा नहीं खेलना आता, मैंने आपको बता दिया। अरे मतलब कि चार्ज जिसके पास रैम है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा प्ले मिलता है यार, वही बोलना चाहूँगा। वरना अगर आपको देखना है 3GB 30GB वाले मैंने कौन सा सेटिंग किया है, कौन सा फ्रेम रेट, आप देख सकते हैं ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए मैंने एक बाइक ले लिया है, पता नहीं कौन सा बाइक है, और मैं ड्राइविंग भी इतना अच्छी तरह से नहीं कर सकता, ये मुझे पसंद आया, क्या ये चलेगा देखते हैं। हाँ क्यों नहीं चलेगा, छत पे जाते हैं, ये वाला चीज़ एक काम में आता है कि ये झटपट ऊपर जाते हैं, लेकिन जब कोई एनिमी आएगा तो वो भी इसी तरीके से आ जाएगा ऊपर एकदम फटाक से। पता ही नहीं चला यार, भाग 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 भाग, अरे भाग यार क्या कर रहा है यार, ओ मेरा ही पसंद था। अरे यार जल्दी 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 जल्दी, कार 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 मिल गई,
ये देखिए एक प्लेयर मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। इसमें कोई है शायद, देखिए देखिए यार बहुत क्लियर है, इधर बहुत क्लियर है। वाह एक हेलीकॉप्टर है यार, चल इसको उड़ाते हैं। तो आपको आपको पता भी लग जाएगा कि हेलीकॉप्टर उड़ाना कैसा लगता है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आता है यार। इस घर के ऊपर जाते हैं यार। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा हेलीकॉप्टर में जब मैं पायलट बना? छोड़िए मेरे बकवास जोक को और गेम की तरफ ध्यान देते हुए, छह प्लेयर से धीरे 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 अरे घर के अंदर छुपा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे किल कर, सारे मतलब कि टोटल 10 किल किए हैं और ये हम बन चुके हैं विनर। तो एग्जिट करते हैं। अरे बात है आपको, तो अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन सा सेटिंग मैंने किया है। और हाँ बात करते हैं हीटिंग की, तो भाई हीट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा है, थोड़ा मतलब कि ज़्यादा नहीं है। मैं आप देख सकते कि 20 मिनट हो चुके हैं तब से मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, लेकिन हीट उतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया इस सेटिंग पर खेल कर। तो इस ये सेटिंग कौन सा सेटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर आपको कोई भी लैग या फिर इशू नहीं आएगा, हीटिंग का भी इशू नहीं है, ये उतना ज़्यादा हीट नहीं है जैसे नॉर्मल गेम प्ले करते हैं सब लोग, वैसा ही है। तो एग्जिट करते हैं और इधर से भी एग्जिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा सेटिंग मैंने किया है। तो जैसे तभी भी रियलमी 3i मेरे पास ही है, तो ये देखिए सेटिंग पर मैंने क्लिक किया और ये रहा ऑडियो एंड ग्राफिक्स। तो इधर आपको आँख लगा कर देखना पड़ेगा कि मैंने ग्राफिक्स लो करके खेला है। तो आपको अभी तक लग रहा था कि मैं मीडियम ग्राफिक्स पर खेल रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं लो ग्राफिक्स पर खेल रहा हूँ और फ्रेम रेट भी मीडियम है। और इधर आप देख सकते हैं लो ग्राफिक्स करने से बहुत चीज़ लो हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये जब आप मल्टीप्लेयर खेलेंगे तब आप, अगर आपको मल्टीप्लेयर का देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आई मल्टीप्लेयर का भी मैंने गेम प्ले किया है, सेटिंग भी बेस्ट कौन सा रहेगा वो भी मैंने किया है। अगर आपको देखना है बैटल रॉयल का तो आपने देखा कि ये सेटिंग आपको ग्राफिक्स लो और फ्रेम रेट मीडियम करके खेलना पड़ेगा। और कोई भी लैग आपके सामने था आपने नहीं देखा, 20 मिनट से खेल रहा था और हीटिंग का इशू मुझे अभी तक नहीं दिखा। थोड़े बहुत ही जैसे नॉर्मल गेम खेल टाइम होता है वैसा ही हुआ है रियलमी 3i पर। ये मेरे पास 3GB और 8GB वाला वेरिएंट वाला फोन। आपने देखा रियलमी 3i पर एंड्रॉइड 10 और रियलमी UI अपडेट कर लेने के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले बैटल रॉयल गेम प्ले, क्योंकि मल्टीप्लेयर के लिए आपको अलग चेंज करना पड़ता है और बैटल रॉयल के लिए आपको अलग सेटिंग करना पड़ता है। बैटल रॉयल में आपको ग्राफिक्स लो करके खेलना पड़ेगा और मल्टीप्लेयर में आप मीडियम में भी खेल सकते हैं जो काफ़ी अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। लेकिन बैटल रॉयल जब खेलेंगे, हालांकि वहाँ पर 100 प्लेयर्स होता है, इसलिए थोड़ा मतलब कि आपको मालूम पड़ गया होगा कि किस लिए आपको चेंज करना पड़ता है। तो बैटल रॉयल में आपको अलग सेटिंग करना पड़ सकता है रियलमी 3i पर। तो धन्यवाद दोस्तों आपको पूरे वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूं ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक कर देना। और एक बात, अगर हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना यार। इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। Thank you.